यहाँ भी ये निकालने लगे हैं चमचों के हाथ के साथ। ओए होए 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 होए, हाथ नहीं चलते आपके भाई जान। अच्छा जी, ये जी आयरन मैन है गुजरात वाला के जी, खोए वाला हलवा। उसके बाद इसमें अब चने भी लगाते हैं। आजा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जनाब इस दुनिया में ना दो किस्म की बेसिकली मार्केटिंग होती है। एक होती है जो कंपनीज प्रमोशन दे के करवाती हैं, और दूसरी वो मार्केटिंग होती है जो वर्ड टू माउथ होती है। तो कुछ देर पहले हमने वीडियो लगाई थी हलवा पूड़ी के कंपैरिजन की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिकमेंडेशन हमें आई थी ना वो थी बट हलवा पूड़ी पीपल्स कलोनी मार्केट की। तो आज हम आ चुके हैं बट हलवा पूड़ी जो कि मौजूद है पीपल्स कलोनी मार्केट में। ये अलफता मस्जिद है, उसके बिल्कुल करीब ये शॉप है। तो चलते हैं अंदर और अब देखते हैं कि यहाँ पर मिलने वाली हलवा पूड़ी वर्थ है उसकी कि नहीं। लिए तो ये जी हलवा पूड़ी का सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? सर जी कितना पुराना सेटअप है आपका यहाँ पे? ये हमारा तकरीबन 25-26 साल से है। अच्छा, 25-26 साल पुराना सेटअप है। माशाल्लाह बड़ी तारीफ सुनी है आपकी, और सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस हमें चैनल पे ना आपकी आई है हमारे के बट हलवा पूड़ी ट्राई करें। आवाम ने हमें यहाँ पे लेके आई है, आपके टेस्ट बड्स और आवाम हमें यहाँ पे लेके आई है। सर ये तो आवाम का प्यार है ना। चले तो करते हैं हलवा पूड़ी ऑर्डर, और उससे पहले आपको इनका सेटअप दिखाते हैं। तो ये जी सबसे पहले उस तरफ जाके दिखाते हैं। तो ये जी सबसे पहले इनका ये पूड़ियों का फ्राइंग एरिया है, और इनके पास भटूरे भी होते हैं लेकिन सिर्फ जुमे को और इतवार को, लेकिन आज भटूरे नहीं, आज सिर्फ हलवा पूड़ी चलेगी। तो बेसिकली ये इनका सारा पूड़ियों का सेक्शन है। ये बड़ा सा पतीला है जिसमें ये पूड़ियों का फ्राइंग। आ गई तस्वीर अब आपकी भी। अच्छा गर्म की भी ले लो। गर्म की? अच्छा वो भी कर सकते हैं आप, तो करके दिखाए ना। लो जी, क्या नाम है आपका? मुर्तजा भाई ने क्लेम किया है कि ये मतलब इनको चमचों की जरूरत नहीं है पूड़ी निकालने के लिए। ये कि आप ऑयल की फ्रेशनेस भी चेक कर लें कैसा ऑयल है, और यहाँ पे बनती हुई पूड़ियाँ भी ये निकालने लगे हैं चमचों के हाथ के साथ। ओए होए 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 होए, हाथ नहीं चलते आपके भाई जान। अच्छा जी, ये जी आयरन मैन है गुजरात वाला के। क्या कहते हैं उसके बाद जी, ये है खोए वाला हलवा इनका, ये चेक करें। और इसके बिल्कुल साथ आपको मिल जाएंगे इनके चने जबरदस्त, और सैलड देखें तो क्या एक प्यारा कलरफुल सैलड है। तो अब करते हैं इनसे ऑर्डर और लेट्स सी क्या बनता है। तो जी भाई ने रिकमेंड किया है कि अगर आप सिंगल पर्सन खाना चाहते हैं खुली डुली पूड़ियाँ, तो ये 200 रुपए का प्लेटर है। तो भजन बना के दिखाएं प्लेटर। इसमें जी सबसे पहले ये आ गए चने एक साइड पे, और फिर इसमें आ गया एक पोर्शन सैलड का। उसके बाद ये है जी हलवा, और यहाँ से फिर आ जाएंगे इसमें दो अदद पूड़ियाँ। ये 200 रुपए का, तो ये है जी इनका प्लेटर। तो चलते हैं करते हैं इसको ट्राई। तो फाइनली जी प्लेटर हमारा ये पूड़ियों का रेडी होके आ चुके हैं, जिसमें चने हैं, हलवा है और सैलड है। इन किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं जो हली हलवे के साथ पूड़ी खाते हैं, एक होते हैं जो चने के साथ पूड़ी खाते हैं, एक होते हैं जो हलवा भी लगाते हैं फिर चना भी लगाते हैं और फिर हलवा पूड़ी खाते हैं। तो दुल्ला भाई ने मुझे रिकमेंड किया है जो कि कैमरे के इस तरफ है कि आप दोनों चीज़ें लगा के ट्राई करें। तो ये जी खोए वाला हलवा, उसके बाद इसमें अब चने भी लगाते हैं। भाई साहब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इन तीनों में से किस टाइप के लोग हैं। और ये बिस्मिल्लाह, कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें लगाने वाला पहली टाइम ट्राई किया और मजे का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू अब्दुल्ला भाई। तमाम हलवों के बयान और पूड़ियों की गुवाई के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बट हलवा पूड़ी पीपल्स कलोनी में मिलने वाली वन ऑफ द बेस्ट हलवा पूड़ी है। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट हलवा पूड़ियाँ मिलेंगी, उसके साथ देसी घी में बना खोए वाला हलवा, और अगर आप प्लेटर लेंगे तो उसके चश्के आपको हमने दिखाए हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इस वीडियो को करते हैं हम एंड। आजा तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज़।